के बाद भी, मार्क्स अचीव करने के बाद भी सो नौकरी नहीं मिल रही है बिकॉज ऑफ रिजर्वेशन। गुजरात कुछ हद तक आप उठा सकते हो कि हमने एक प्लॉट उठाया है, लेकिन ये अगर कहेंगे कि हार्दिक पटेल की कहानी है तो ऐसा नहीं है। हमने एक प्लॉट उठाया है, कहीं ना कहीं से हम लोग एक प्लॉट उठाते हैं कि किसी भी एक मुद्दे को उठाना पड़ता है, तो हमने गुजरात के जो रिसेंटली रिजर्वेशन राइट्स हुए थे उसको हमने उठाया है और इस मूवी के थ्रू दिखाया है। तो जैसे कि गुजरात में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए थे सर, कि एंटी बीजेपी हो चुके हैं वहाँ पे, दलितों को दिखाया गया था मारा गया है। देखो हमारी लड़ाई किसी जाति से नहीं है, किसी जाति के लोगों से नहीं है, ये पर्टिकुलर लड़ाई है रिजर्वेशन के लिए, क्योंकि रिजर्वेशन इस देश में आर्थिक तौर पर होना चाहिए, ना कि जातिगत। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो कोई किसी जाति से लेकिन धन्य है। जो ये फिल्म है वो एक ऐसा मैसेज दे रही है कि रिजर्वेशन से बिल्कुल अलग जाएं, आप काबिल हो, अपने आप आपको जो आपको अचीव कर रहा है वो अपने आप मिलेगा। नहीं, पर्टिकुलर आरक्षण के अंदर तो एक पर्टिकुलर एक जाति को दिखाया था कि आप इस जाति के हो, आप छोटे कस्बे के हो या छोटे लोग हो, इस मूवी के अंदर ऐसा नहीं है, ये मूवी सभी के लिए है। जो इस आप भी अगर इस मूवी को देखोगे, आपने कॉलेज पास आउट किया होगा, अपनी पढ़ाई करी होगी, आपको अपना कॉलेज, अपनी स्टडी याद आ जाएगी इस मूवी को देखते हुए कि आफ्टर ग्रेजुएशन आपको किस चीज़ों से जूझना पड़ा था। मंडल आयोग से लेकर अभी तक जो आरक्षण में बताया और जो बच्चे मरे, आपकी फिल्म देखने के बाद क्या फिर एक आग नहीं लगेगी? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बच्चों को एक मोटिवेशन मिलेगा कि विदाउट आरक्षण भी आप लोग इतने काबिल हैं अपनी स्टडी को लेकर, अपने और सोशल एक्टिविटीज़ को लेकर, कि आप जो भी आपको अचीव करना है आप अचीव कर सकते हैं। रिजर्वेशन को अगर आप अपने मन में रखोगे कि रिजर्वेशन का मुझे सपोर्ट मिलेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये तो समस्या है, आपने इसमें कुछ समाधान नहीं बताए। बहुत से समाधान हैं ऐसे, जैसे आपको मूवी देखेंगे तो आपको बहुत पता लगेगा मूवी के बारे में। अभी मैं सारी चीज़ें डिस्क्लोज करूँगा। तो आरक्षण को कैसे परिभाषित करेंगे आप? आरक्षण को इस तरीके से परिभाषित करेंगे कि देखिए, पिछले जितने भी मुद्दे हुए, चाहे गुर्जर आंदोलन हुआ था या हरियाणा में जाट आंदोलन हुआ, वो सब एक पर्टिकुलर बहुत गंदी लड़ाई थी जिससे देश का नुकसान हुआ। इस मूवी के अंदर हमने ऐसा कुछ नहीं दिखाया जिससे देश का नुकसान हो, सिर्फ इसके अंदर हमने दिखाया कि एक लड़का है जो लोगों तक अपनी बात फैला रहा है कि इस चीज़ को ख़त्म करो, हम लोग इस चीज़ से काफ़ी उठ चुके हैं, ये आज का भारत है। आज के भारत के अंदर हम आज भी अगर पिछली तबके के लोगों की सोच को समझेंगे तो कुछ नहीं होगा, अब सब एजुकेटेड लोग हैं। तो वही चीज़ हमने इस चीज़ में दिखाई है कि आप पढ़ाई करो, पढ़ाई के पीछे भागो, आरक्षण वारक्षण कुछ भी नहीं होता है। भारत का एक भी नेता आरक्षण के फेवर में नहीं, इसके बारे में आप क्या? देखिए अब ये तो एक वो सवाल हो गया है। सोनिया गांधी हो, मायावती हो, कोई भी हो, एक व्यक्ति भी आरक्षण के फेवर में नहीं है, आप क्या मानते हैं? मैं देखो, आरक्षण के फेवर में नहीं आना तो ये हो गया, कहीं ना कहीं देखो सारे नेताओं के भी कहीं ना कहीं तो साठ गांठ होती है और सारी वोटिंग पॉलिटिक्स है। तो कि अगर आपने एक तबके को आरक्षण खत्म करके राजी कर दिया और एक तबके को नाराज कर दिया, तो ये तो सब पॉलिटिक्स की लड़ाई है। इसमें मैं क्या मतलब, बहुत से पहले भी प्रयास किए गए हैं और बहुत से प्रयास अब भी जारी हैं, तो इसके ऊपर तो कहना। सर जैसे कि आप पोस्टर देख रहे हैं कि आंदोलन बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है, गुजरात में भी एक बड़ा आंदोलन हुआ, तो उसके बाद नरेंद्र मोदी जी के पूरे पसीने छूट गए थे उस आंदोलन के बाद, उन्होंने तब हार्दिक पटेल को जेल में डाला, तिहार जेल में रहे, तो कहानी कैसी है मतलब ये आंदोलन उससे रिलेटेड है? देखो आंदोलन एक हमने प्लॉट उठाया है, उससे रिलेटेड नहीं कह सकते इसको। हार्दिक पटेल के थोड़े कॉन्टेंट है फिल्म के अंदर, आप ये कहना चाहेंगे? ये एक हार्दिक पटेल, ये एक सिर्फ एक बंदा है जो गुजरात से रिलेट करता है, तो गुजरात की कहानी यही है। और सिंपल एक लड़का है जो एजुकेशन का मारा है, एजुकेशन बहुत अच्छी ली है, लेकिन सिस्टम ने उसको इतना ख़राब कर दिया है कि सिस्टम, देखो दो चीज़ें होती है, एक तो सिस्टम आप इंसान को बना देता है और एक बिगाड़ देता है। इसमें हम सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे हैं, सिस्टम के खिलाफ हार्दिक पटेल भी लड़ रहा है, तो क्या कहानी है? ये देखो, ये तो एक अट्रैक्शन होता है मूवी के लिए, कोई भी डायरेक्टर होता है उसका एक विजन होता है क्योंकि अपने आर्टिस्ट को कैसा लुक दे,
तो ये हमारे डायरेक्टर सर जो है वो आपको बहुत अच्छे से बता पाएंगे कि उन्होंने किस विजन को रखते हुए इस मूवी का पूरी स्टोरी का निर्माण किया है। और देखो, पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट को दिखाने के लिए कुछ कैरेक्टर ऐसे बनाने पड़ते हैं लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, वही आप कह सकते हैं कि हम लोगों ने कुछ ऐसा लुक, हम लोगों ने लुक लिए हैं। आप क्या कहना चाहेंगे सर, आप कुछ बताइए। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, अभी इधर आएंगे आप। हां जी जी, आप बताइए आपके किरदार है आपका। आरक्षण में आपकी क्या भूमिका है? मैं मामलुक सेंटर, हां बोलिए बोलिए। मैं एक रिपोर्टर का कैरेक्टर प्ले कर रही हूं और सारी जगह न्यूज़ देती हूं, बाकी आप देख लेना। कितनी तैयारी की जब आप रिपोर्टर रिपोर्टिंग कर रहे थे लाइव, अगर आप रिपोर्टिंग कर रहे थे कितनी तैयारी की आपने वहां से किरदार को निभाने के लिए, क्योंकि आरक्षण बहुत बड़ा मुद्दा है देश का और बीजेपी भी आरक्षण हटाना चाहता है, तो आपने कितनी तैयारी की? एक्चुअली ये कैरेक्टर मैं फर्स्ट टाइम प्ले कर रही थी, तो इट वॉज़ वेरी डिफिकल्ट मेरे लिए, तो बहुत ज़्यादा तैयारी की थी इसके लिए और सब कुछ यू नो डिटेल्स में जानना पड़ता है, और फिर आप लोग सब कुछ बोल भी नहीं सकते व्हेन आप रिपोर्ट कर रहे हो, तो आपको बहुत ज़्यादा स्टैटिक होना पड़ता है इसके लिए। हमारे डायरेक्टर सर जैकी जी, ही ओनली हेल्प मी आउट फॉर एवरीथिंग। आप कितना बिलीव करते हैं आरक्षण में, देश में क्या आरक्षण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आरक्षण नहीं होना चाहिए। क्यों, आपको क्यों लगता है क्यों नहीं होना चाहिए? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड, क्यों नहीं? आपको क्या आप आरक्षण के शिकार हुए थे बताओ क्या मतलब? हाँ, आरक्षण नहीं होना चाहिए, कहीं भी नहीं होना चाहिए, और इंडिया में हमारे देश में तो बहुत ज़्यादा है, मतलब बिल्कुल भी इक्वालिटी नहीं है, मतलब हर चीज़ में कास्ट हो गया, हर चीज़ को लेकर सब जगह आरक्षण ही है, तो ये सब होना ही नहीं चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए हर चीज़ को लेकर, समानता का अधिकार होना चाहिए। सर आप बताइए आपका किस तरह का रोल है इस फिल्म में, कुछ आपके बारे में बताइए। क्रिकेटर बिरजू प्रसाद का, जो कि कॉमेडियन मान सकते हैं और ज़्यादा ब्रिलियंट नहीं है पढ़ने में, बट उसके 45% मार्क होते हैं और उसको नौकरी मिल जाती है, और यहाँ पे 98% मार्क्स है फिर भी उनको नौकरी नहीं मिलती। मैं तो कहता हूँ यार, आरक्षण का मुद्दा होना ही नहीं चाहिए सर, आरक्षण बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, ये कॉलम ही हटा देना चाहिए फॉर्म से कि आरक्षण के लिए आपका ना 45% तो आपको जॉब मिल जाए, यहाँ पर पढ़ाई लिखाई करके 80% आते मार्क उनको जॉब नहीं मिलती। मेरा मानना है कि कोई भी आरक्षण, आरक्षण से अगर कोई डॉक्टर बना है तो वो खुद अपने बेटे का इलाज नहीं करेगा, या कोई भी इंसान किसी भी आरक्षण की डिग्री लेकर कोई भी कोई चीज़ अचीव करिए तो उससे कोई काम नहीं कराएगा, बिकॉज आपको क्यों लगा कि आरक्षण पर फिल्म बननी चाहिए? देखो क्यों लगा, क्या कारण है? देखो हर मूवी का एक मैसेज होता है, पिछले आप अगर 5-10 साल से देखेंगे तो हमारे देश का बहुत नुकसान हुआ है, बहुत नुकसान हुआ है। गुर्जर आंदोलन हुआ तो रेल की पटरियाँ हटा दी गई, वहाँ भी लोग मारे गए। हरियाणा में हुआ तो पूरा रोहतक जला दिया गया, वो बेकसूर लोग जो हाईवे से जा रहे थे उनके साथ लूटपाट की गई। गुजरात के अंदर भी यूं हुआ, तो ये एक ऐसा मैसेज देने वाले थे हम लोग कि इस चीज़ से लोगों के अंदर ये शिक्षा आए कि इस चीज़ को करने से कुछ नहीं होगा। अगर आपको लड़ाई लड़नी है ना तो अपने सिस्टम के खिलाफ लड़ो, सिस्टम को इतना मजबूत बनाओ कि आप लोग खुद अगर उस पोस्ट पर पहुँचो तो आप लोग भी कुछ अच्छा कर सको। सर आप बताइए सर, आप किस तरह से जुड़े इस फिल्म से, आप कुछ बताइए। ये हमारे प्रोड्यूसर सर हैं, बताएंगे जरूर। बता दीजिए सर, आप हैं जब बोल आपने प्रोड्यूसर है, आपने निवेश किया इस फिल्म में, आपको क्यों लगा कि आरक्षण पर फिल्म बननी चाहिए? और ये गुजरात के हार्दिक पटेल पर है, इसका कंटेंट लिया गया है, हार्दिक पटेल हमेशा कंट्रोवर्सी में रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? वो कुछ नहीं बोलेगा, प्रोड्यूसर हाजिर नहीं है। अच्छा ये बता दीजिए, दिल से बनाई है दिमाग से बनाई है? दिल से बनाई है, दिल से बनाई है, दिमाग से, दिल से बनाई है, दिमाग में घुस गई है अभी। आप प्रोड्यूसर लोग हो, एक्टर भी हैं, पता है इस फिल्म से कोई कंट्रोवर्सी होगी जब ये बाहर आएगी, बस करना है उसके तैयारी को, तैयार हो कई कंट्रोवर्सी होगी, अभी तक कंट्रोवर्सी देखो क्योंकि गुजरात के इलेक्शन भी आने वाले अगले साल, तो ये फिल्म गुजरात देखो तैयार हो, हम लोग तैयार हैं इन सारी चीज़ों के लिए, क्योंकि देखो कोई भी चीज़ एक आउटपुट एक अच्छा बनता है तो उसके साथ नेगेटिव चीज़ें भी लोग होते हैं जो करते हैं और एक पॉजिटिविटी भी आती है,
तो हम उस पॉजिटिविटी के लिए बिल्कुल तैयार हैं जो लोगों से हमेशा हमको मिलती आई है, और उस नेगेटिविटी से लड़ने के लिए भी हम लोग तैयार हैं जो ऑलमोस्ट हमारे सामने कई बार आती है, जिसका सामना हमें करना पड़ता है। तो हम हर तरीके से तैयार हैं। थैंक यू सो मच। नहीं, सेंसर हमारी मूवी सेंसर हो गई है। सेंसर के अंदर काफ़ी तकलीफें आई थी और कुछ बहुत से कट्स हमें मिले हैं, ऑडियो कट्स भी मिले हैं, वीडियो कट्स भी मिले हैं। उन सारी चीज़ों को पार करते हुए, मतलब एक एक स्टेप पार करते हुए हमारी मूवी आज सेंसर हो चुकी है, और आज मीडिया से रूबरू होने का हमें मौका मिला और हमारी बातों को कहने का मौका मिला, उसके लिए थैंक्स टू ऑल प्रेस। फिल्म कब तक रिलीज हो जाएगी? फिल्म रिलीज़ हम लोगों ने अभी डेट डिसाइड करी नहीं है, लेकिन जल्द ही हम लोग आप लोगों को फिर से इनवाइट करेंगे, उसके लिए प्रेस रिलीज करेंगे ज़रूर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। आने वाला के ऊपर भी टोटली फिल्म नहीं है, ये फिल्म बेरोजगारी के ऊपर, जो हमारा सिस्टम है उस सिस्टम के ऊपर है। तो हार्दिक पटेल भी इसी विषय में लड़ रहे हैं, बेरोजगार को लेके, आरक्षण को लेके लड़ रहे हैं। और जो पीछे आपका जो पोस्टर है, बहुत बड़ा आंदोलन हुआ है गुजरात में, एक बड़ा आंदोलन हुआ, उसके बाद प्रॉब्लम हुआ नहीं, उससे जुड़ी हुई है, उससे हम इंस्पायर है। एक प्लॉट है, लेकिन टोटली फिल्म जो है वो हार्दिक पटेल के ऊपर नहीं है। ये फिल्म आज के यूथ के ऊपर है, जो बेरोजगार है वो रोजगार पाने के लिए अपनी लड़ाई लड़ रहा है। एक्चुअली ये लड़ाई सिस्टम से, जो हमारा सिस्टम है वो एकदम करप्ट हो चुका है, भ्रष्टाचार के खिलाफ है। जो आज भी हमारे देश में कई दलित है, दलितों को नहीं मिलता, आप जाके देखिए यूपी हो या कहाँ पे बिहार हो, तो उसको उस लेवल को आपने किस तरह से जस्टिफाई किया? दलितों के आप ऐसे नहीं कह सकते कि दलितों को नहीं मिलता है। अत्याचार होता है कई जगह पर, आप अगर आप यूपी नहीं, दलितों के ऊपर भी अत्याचार होता है, लेकिन जब दलित होता है तो उसके ऊपर आवाज़ ज़्यादा उठाई जाती है। अत्याचार सबके ऊपर हो रहा है, ज़रूरी नहीं है कि दलित के ऊपर हो रहा है, लेकिन दलित शब्द ऐसा यूज कर रहे हैं आजकल के पॉलिटिशियन, एक सपोर्ट ले रहे हैं, सपोर्ट ले रहे हैं उसकी, वोटिंग सपोर्ट ले रहे हैं। दलित या अपर क्लास या लोअर क्लास, ये सब हटा देना चाहिए। मतलब देखिए, आप आर्थिक तौर पर सभी को मदद मिलनी चाहिए, ना कि जातिगत। शूटिंग हमारी पूरी गुजरात में, वड़ोदरा में। तो आप कह रहे हो हार्दिक पटेल पे कोई नहीं? हमारे प्रोड्यूसर वहाँ के थे, तो उनको वहाँ इजी था, इसलिए वहाँ पे शूट किया। प्रोडक्शन कॉस्ट बचती है ना। गाने वाले फिल्म हाँ, बड़े गाने हैं, गाने हैं, गाने हैं, गाने हैं। मुकुल देव भी है और मुकुल देव है, कुलभूषण जी हैं। तो उसके बारे में क्या कहना? उनके बारे में कैरेक्टर जो है, उनके जो है एक्सपोज होंगे, आप फिल्म देखेंगे, फिल्म आ जाएगी, उसमें देखिए आप उन्होंने क्या काम किया है, किस हिसाब से किया, लेकिन उनका सपोर्ट हमारे लिए बहुत अच्छा रहा। मोदी जी के कुछ है जी? नहीं, मोदी जी के लिए नहीं, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमने किसी पॉलिटिशियन को दिखाया इस फिल्म में। नहीं, बियर्ड फॉर्म है जी? नहीं, उनका ओरिजिनल, उनका ओरिजिनल है, हम लोगों ने नहीं लगाया। कुलभूषण खरबंदा जी को जाके देखो, वैसे ही है वो, खुद वो फिल्म कर रहे थे साउथ में कोई, उसके लिए उन्होंने वो गेटअप रखा था, तो बोला कि मैं ये काटूंगा नहीं, मैं काटूंगा नहीं। तो फिल्म क्या मैसेज दे रहा, आरक्षण हटाने का? नहीं, तो क्या आप आरक्षण हटाने का नहीं दे रहा, बेरोजगारी को दूर करने के लिए, जो सिस्टम के खिलाफ लड़ाई है उसके लिए है। और अगर आरक्षण
आरक्षण जरूरी है, सबके लिए जरूरी है, आर्थिक तौर पे आरक्षण होना चाहिए, ना कि जातिगत। थैंक यू सो मच, थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे?